नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि दोस्तों आप अपने फोटो में म्यूजिक यानी कि सॉन्ग कैसे लगाओगे। दोस्तों आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे फोटो देखे होंगे जिसमें म्यूजिक यानी कि सॉन्ग लगा होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों आप फेसबुक स्टोरी देखते होंगे, चाहे व्हाट्सअप स्टेटस स्टोरी देखते होंगे, या फिर दोस्तों इंस्टाग्राम स्टोरी, उन सब फोटो में म्यूजिक यानी कि सॉन्ग लगा होता है। तो दोस्तों आप लोग सोचते हो कि मैं कैसे अपने फोटो के अंदर म्यूजिक यानी कि सॉन्ग कैसे लगाऊंगा। दोस्तों आप लोगों को आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ। दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों पूरी जानकारी लेने के लिए आप दोस्तों इस वीडियो को पूरा लास्ट एंड तक देखना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा के घंटे के बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि आने वाली और भी इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो फटाफट से मैं आप लोगों को मोबाइल फोन की स्क्रीन पे लेके चलता हूं, और मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि मैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे आ चुका हूं। दोस्तों यहां पे मैं एक एप्लीकेशन को ओपन करता हूं, और दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप इसे इंस्टॉल करोगे। बट दोस्तों ओपन करोगे आपके सामने यहाँ पे कुछ परमिशन मांगे जाएंगे, आपको दोस्तों सिंपल से अलाउ कर देने हैं। दोस्तों जैसे ही अगर आप यहाँ पे अलाउ करते हो, सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे ऊपर लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है, यानी कि दोस्तों आप मल्टीपल लैंग्वेज के अंदर आप यहाँ पे दोस्तों अपने फोटो के अंदर म्यूजिक यानी कि सॉन्ग लगा सकते हो। आपको यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, गुजराती, यानी कि दोस्तों बहुत सारे यहाँ पे कम से कम 14 लैंग्वेज मिल जाते हैं। आपको सिंपल सा दोस्तों हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी पे सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपको जरूरत है। आपको यहाँ पे डन पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों डन पे क्लिक करते हो, दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत सारे ऊपर में देख रहे हो कि म्यूजिक सबसे पहले मिल जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे करना क्या है कि दोस्तों आपको यहाँ पे किसी प्रकार का एक म्यूजिक ले लेना है। दोस्तों अगर आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा कि अगर आपको ये जो म्यूजिक यहाँ पे दिया गया है अगर ये पसंद नहीं आता है, तो दोस्तों आप अपने मोबाइल फोन की गैलरी के अंदर से भी दोस्तों आप यहाँ पे म्यूजिक ले सकते हो। सो दोस्तों यहाँ पे फटाफट से मैं पहले यहाँ पे दोस्तों अपने यहाँ पे एक म्यूजिक को ले लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी ट्रेंडिंग में दिया गया है, दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी है, यहाँ पे आप चूज कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट नंबर वाली मैं म्यूजिक को ले लेता हूँ। दोस्तों अगर म्यूजिक प्ले होगा तो मैं दोस्तों इसे बंद कर दूंगा, ताकि कॉपीराइट का इशू ना आए। दोस्तों यहाँ पे जैसे ही फर्स्ट पे टाइप करोगे, दोस्तों आपको यहाँ पे क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे क्रिएट पे टाइप करना है। दोस्तों जैसे ही टाइप करोगे आपको यहाँ पे दोस्तों हो सकता है कुछ एड देखने को मिल जाए, जो कि आपको कट कर देना है। अब आपको दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह का दोस्तों इंटरफेस दिखता है। आपको सिंपल सा करना क्या है कि दोस्तों ये म्यूजिक प्ले होगा तो इस तरह से प्ले होगा। अब दोस्तों आप चाहो तो इसके अंदर जो बैकग्राउंड दिए गए हैं वो यूज कर सकते हो, बाकी दोस्तों आप अपना यहाँ पे फोटो यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों यहाँ पे इसके अंदर जो दोस्तों बैकग्राउंड दिए गए हैं ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। दोस्तों इस बैकग्राउंड पे नीचे टैप करते हो तो बहुत सारे आपको यहाँ पे बहुत सारे यानी कि दोस्तों मल्टीपल आपको बैकग्राउंड मिल जाते हैं। बहुत सारी कैटेगरी है, फेस्टिवल, लव, फ्लोवर, जनरल, यहाँ पे कुछ इस तरह से ऐसे दोस्तों आपको देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पे इफेक्ट मिल जाते हैं, यानी कि दोस्तों बहुत सारे बैकग्राउंड मिल जाते हैं। जो भी दोस्तों अगर आपको पसंद आता है बस उस पर सिंपल सा टैप करना है, और आपके सामने यहाँ पे अब यूज पे जैसे मैंने यहाँ पे देखो अब यहाँ पे ऐसे प्ले करो तो आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह का बैकग्राउंड प्लस म्यूजिक दोनों प्ले होंगे। और दोस्तों आप यहाँ पे किसी भी स्टोरी के अंदर शेयर कर सकते हो। अब दोस्तों आप इसके अंदर फोटो कैसे लगाओ, खुद का अपना फोटो कैसे लगाओगे और इसके अंदर म्यूजिक भी लगा रहेगा, तो दोस्तों सिंपल सा आपको गैलरी पे टैप करना है। जैसे ही दोस्तों गैलरी पे टैप करो आपका जो यहाँ पे दोस्तों फाइल मैनेजर है ओपन हो जाता है, यानी कि दोस्तों आपके मोबाइल के अंदर जितनी भी फोटो है यहाँ पे ओपन हो जाती है। मेरे को यहाँ पे मेरा फोटो ओपन हो चुका है। जो भी दोस्तों पसंद आएगा यहाँ पे दोस्तों मैं उस पर टैप करूंगा और डन पे क्लिक करूंगा। दोस्तों यहाँ पे सिंगल फोटो भी यूज कर सकते हो, और दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा मल्टीपल फोटो भी यूज कैसे करोगे। कुछ एड आएंगे जो कि आपको कट कर देने हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्लीज वेट, यहाँ पे मेरा फोटो लग चुका है, और दोस्तों ये नीचे म्यूजिक भी प्ले हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे मैंने म्यूजिक को ऑफ कर रखा है, आपको थोड़ा बहुत सुना के दिखाऊंगा मैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पे स्क्रीन रिजोल्यूशन पे नीचे से चार नंबर पे क्लिक करते हो, तो दोस्तों अगर आपको किसी स्टोरी के अंदर लगाना है तो दोस्तों पहला वाला यहाँ जो पहला वाला बॉक्स है इस पर टाइप करना है। अगर इस चीज को दोस्तों अगर आप YouTube वगैरह पे कहीं पे यूज करना चाहते हो तो दोस्तों शॉर्ट में यूज करना चाहते हो यानी कि YouTube शॉर्ट में, तो दो नंबर पे आपको रखना है। अगर तीन नंबर पे ऐसे नॉर्मल अगर यहाँ पे फोटो वगैरह बनाना चाहते हो तो दोस्तों तीन नंबर पे क्लिक करना है। इसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल वगैरह मिल जाते हैं, यानी कि दोस्तों ये जो टेक्स्ट है जो यहाँ पे जो दिख रहा है यानी कि म्यूजिक के साथ जो टेक्स्ट भी दिख रहा है, ये दोस्तों इसका टेक्स्ट कुछ कलरफुल आपको दिखने लगेगा। आपको जो पसंद आया उस पर आप टैप कर दोगे तो इस तरह से आपको यहाँ पे चेंज होता रहता है। देख सकते हो ये कुछ इस तरह से चेंज हो गया। अब दोस्तों आपको यहाँ पे लेरिस पे क्लिक करना है, और दोस्तों इसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे जो सॉन्ग लगा है आपके फोटो के अंदर आप चेंज कर सकते हो। हो सकता है इनमें से अगर आपको कुछ पसंद आए तो दूसरा ट्राई कर सकते हो,
और दोस्तों यहाँ पे एक सेटिंग और है दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दोस्तों आप अपने मोबाइल फोन के अंदर जो गैलरी में आपका जो म्यूजिक है वो भी दोस्तों यहाँ पे यूज कर सकते हो। थोड़ा सा मैं यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को और चीज बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपको इसका जो वाटरमार्क है ये अगर आपको हटाना है तो दोस्तों सिंपल सा आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे यूज टैग पे क्लिक करना है, मेड इन इंडिया लिखा है दोस्तों, आप चाहो तो आप यहाँ पे अपना नाम वगैरह लिख सकते हो। डन पे क्लिक करना है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सेव पे क्लिक करना है और यहाँ पे रिमूव वाटरमार्क यहाँ पे बोल रहा है कि हटाना है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ वीडियो देखने पड़ेंगे यानी कि दोस्तों एक एड देखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं वॉच पे क्लिक करूंगा और दोस्तों यहाँ पे एड हट जाएगा, फिर मैं दोस्तों आपको यहाँ पे आगे का प्रोसेस बताता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो कि दोस्तों यहाँ पे सेव हो रहा है और यहाँ पे दोस्तों आपके गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा, जो कि अभी यहाँ पे 100% नहीं हुआ है। जैसे ही 100% हो जाएगा आपकी गैलरी के अंदर ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है दोस्तों। इसके बाद मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि दोस्तों आप अपने मन पसंद का दोस्तों अपने फोटो में अगर ये सब बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा है तो अपने मन पसंद का म्यूजिक लगाओगे, कैसे लगाओगे पूरा देखना। अब दोस्तों सिंपल सा आपको वापस बैक आ जाना है, वो मेरी वीडियो सेव हो चुकी है यानी कि दोस्तों वो मेरा जो टेम्पलेट है वो बन के रेडी है, बट दोस्तों आपको खुद का यहाँ पे सॉन्ग यूज करना है तो दोस्तों आपको स्लाइड शो पे क्लिक करना है और दोस्तों आपको यहाँ पे मल्टीपल फोटो लेने हैं, यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पे खुद का यानी कि दोस्तों मल्टीपल फोटो ले लेने हैं, 5-6 कम से कम फोटो ले लेनी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं 5-6 फोटो ले लेता हूँ, कम से कम आपके पास 6 फोटो होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे ओके पे नीचे टैप करोगे, जैसे ही टैप करोगे दोस्तों यहाँ पे इंस्टाग्राम यानी कि दोस्तों स्टेटस वाला जो होता है दोस्तों एक नंबर वाले पे आपको ऐसे टैप करना है, इस तरह से कुछ आपको टैप करना है, इस पर चेक मार्क कर देना है। इसके बाद से दोस्तों ऑटो पे क्लिक कर देना है, जैसे ही ऑटो पे क्लिक करो तो आपके सामने यहाँ पे दोस्तों कुछ इस तरह से यहाँ पे प्लीज वेट करके लिखेगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे एड म्यूजिक करने का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, अब दोस्तों यहाँ पे काफी सारा आपको इफेक्ट मिल जाएगा, एक बार यहाँ पे अच्छे से ध्यान से देख लो, आप यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट लगा सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे आपको मल्टीपल इफेक्ट मिलेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने फोटो के अंदर बहुत सारे इफेक्ट तो लगाओगे ही दोस्तों, आपको यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारे और भी यहाँ पे इफेक्ट मिल रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे पूरी वीडियो देखते हो तो पूरी नॉलेज मिलेगी दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से। आपको यहाँ पे एड म्यूजिक पे क्लिक करने हैं और दोस्तों एड म्यूजिक पे क्लिक करते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पे देख सकते हो कि ऊपर में सेलेक्ट म्यूजिक माई म्यूजिक दिया है, यानी कि दोस्तों इस एप्लीकेशन के अंदर जितने भी म्यूजिक ये है पसंद नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे माई म्यूजिक पे क्लिक करना है। और दोस्तों जैसे ही माई म्यूजिक पे क्लिक करते हो तो दोस्तों आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जितनी भी दोस्तों म्यूजिक होंगी आपके खुद के मन पसंद की वो दोस्तों आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। उससे यहाँ पे यूज पे क्लिक करोगे और दोस्तों ये सेट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों मैं यूज पे क्लिक कर देता हूँ, देख सकते हो दोस्तों मैंने यहाँ पे टैप किया, यूज पे क्लिक किया, अब दोस्तों यहाँ पे मेरे इस स्लाइड शो यानी कि दोस्तों इस फोटो के अंदर मेरे खुद के दोस्तों यहाँ पे मन पसंद के म्यूजिक लग चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मोशन वगैरह भी लगा सकते हो, बाकी आप यहाँ पे क्वालिटी अपनी मन पसंद की चूज कर सकते हो। स्टैंडर्ड फुल HD आपको यहाँ पे सेव करना है तो यहाँ पे वाटर मार्क हटा के एड आएगा, सेव हो जाएगा आपकी गैलरी में। यहाँ पे इस तरह से दोस्तों ये जो मैंने फोटो तैयार की है जिसमें म्यूजिक अपना खुद का मन पसंद का लगाया दोस्तों यहाँ पे ये क्रिएट हो रहा है, इस तरह से देख सकते हो। यहाँ पे 100% जैसे ही हो जाएगा दोस्तों मेरे मोबाइल फोन की गैलरी में ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद आप अपनी खुद की स्टोरी में व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पे भी लगा सकते हो, बाकी अपने दोस्तों को अपने शेयर कर सकते हो। बाकी आपको दोस्तों यहाँ से भी डायरेक्टली व्हाट्सअप वगैरह पे कहीं पे भी शेयर करने का ऑप्शन मिल जाता है, चाहो तो आप डायरेक्टली यहाँ से अपनी व्हाट्सअप की स्टेटस में ऐसे ये लगा सकते हो फोटो। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही टाइप करोगे आपके स्टेटस में अपडेट होने लगेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी दोस्तों पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा के घंटे के बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि और भी इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप पहुंचता रहे। दोस्तों मैं मुलाकात करता हूँ आप लोगों से किसी नए इंटरेस्टिंग नॉलेजफुल वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।